इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 7 फरवरी 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, लोसर उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तिब्बतियों के नव वर्ष पर। इस वर्ष जैसे आपको पता ही है कि चीन में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बहुत से लोग तिब्बत और चीन के संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ से आके वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सजगता सरकार को बरतनी होगी ताकि लोसर उत्सव, जो कि तिब्बतियों के नव वर्ष से जुड़ा हुआ है, उसका सक्सेसफुल आयोजन हो सके। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का कार्यालय कहाँ पर स्थित किया गया है? सही उत्तर है शिमला के समीप टूटीकंडी स्थित ICBT स्थित पार्किंग भवन में। देखिए स्टूडेंट से एक और चीज़ आप याद रखिए कि जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए नंबर है उसका वो है 1100। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसे लॉन्च कब किया गया था, क्योंकि मैंने आपको इसको 3 या 4 बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको भी सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि जो हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने इस स्कीम का सर्वेक्षण किया, इस वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए गया हुए थे, इन्होंने काफ़ी इसकी बारीकियों को समझा और इन्होंने भी ये कहा है कि हिमाचल के लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला प्रयास है। तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लग रहा है इसका भविष्य, बाकी तो इसकी जो धरातलीय वास्तविकता है तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आपने 2 या 3 प्रश्न यहाँ से याद रखने, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान में प्रोस्पेक्टस घोटाला उजागर हुआ है? तो इस संस्थान का नाम है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो कि समर हिल शिमला में स्थित है। तो प्रोस्पेक्टस घोटाला यहाँ पे आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश में किस विभाग के कर्मचारियों का तबादला करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाने की पेशकश की गई है? तो इसका नाम है शिक्षा विभाग। और आपको बता दें कि ये पहले भी एक बार प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इस बार NIC के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें शिक्षकों की डिफरेंट तरह की जो उनकी जियोग्राफिकली लोकेशन है स्कूलों की, उसे 5 जोन में डिवाइड किया गया है और वहीं पर जोन के आधार पर शिक्षकों से हर वर्ष एक बार ही तबादले किए जाएंगे, रिटायरमेंट भी वर्ष में एक बार ही होगी। इस तरह के बहुत से प्रोविजन इसमें किया गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा अभी कैबिनेट में जा रहा है ये वाला मैटर कितना धरातल तक ये पहुंच पाता है, क्योंकि शिक्षक विभाग की एक यहाँ पे डिमांड रहती है कि शिक्षकों के लिए ही इस तरह का एक्ट क्यों बनाया जा रहा है, क्यों ना विभिन्न तरह के कर्मचारियों के तबादलों के लिए इस तरह की नीति वहाँ पे आनी चाहिए। इस तरह के फैक्ट्स आप मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हो। वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित झांकी का प्रदर्शन किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर है चंबा रुमाल का आयोजन किया गया था। और 2019 में हमारी कोई भी झांकी अप्रूव नहीं हो पाई थी और 2020 में तो आपको ज्ञात है कि कुल्लू के दशहरे के ऊपर झांकी थी जिसका आयोजन वहां पे किया गया। लेकिन देखिए उन झांकियों में भी 1st 2nd इस तरह के वहाँ पर उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो वहाँ पर कुल्लू की झांकी को कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टिसिपेशन रही है बहुत बड़ी बात है छोटे से प्रदेश के लिए। तो लग रहा है कि इस बार यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट साल भर के करंट अफेयर्स, इसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के आप इन करंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट elastudyco.in और इस वेबसाइट से आप इन्हें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर हार्ड कॉपी की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। आइए आगे डिस्कशन करते हैं नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और देखिए अगले प्रश्न में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा व नगर हवेली को पहला तथा दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश को किया गया है। और आपको ज्ञात होगा काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान यहाँ पर मिला है। तो ये सारे 2-3 प्रश्न यहाँ से निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कितने सदस्यों की ट्रस्ट गठित की गई है? तो इसका सही उत्तर है 15 सदस्य। काफ़ी विवादित मुद्दा था जो कि अभी सुलझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि अब राम मंदिर की जगह पर राम मंदिर ही बनेगा और जो मुस्लिमों की मस्जिद बनेगी उसके लिए अलग से सरकार भूमि उपलब्ध करवाए, लेकिन यहाँ पर 15 व्यक्तियों की एक ट्रस्ट बनाई गई है जो कि मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य को देखेगी।
राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 2020 को इस ट्रस्ट का किया गया, जिसमें कितने सदस्य है, 15 सदस्य उसमें सम्मिलित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एक मत से राम मंदिर के निर्माण का फैसला कब सुनाया था? तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 2019 को उठाया था। काफ़ी ऐतिहासिक फैसला था। देखिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतिहास को रचने वाले प्रश्न है, तो इनकी तिथियां को भी आपने याद रखना है। मुख्य परीक्षा में भी आपने इनके फैक्ट के साथ इनको रिप्रेजेंट करना है। वैंकर मैगजीन द्वारा किस भारतीय बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर इनका नाम है शशिकांत जी, जो कि आपको RBI के वर्तमान में गवर्नर भी है। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है भूटान। देखिए भूटान ने क्या कहा है कि हम जो भारत या बांग्लादेश या मालदीव से आएंगे उनके ऊपर क्या लगाएंगे, सतत विकास टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सप्रो 2020 का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ से किया गया? तो उसका शुभारंभ किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समाचार पत्रों में, सुर्खियों में समाचार पत्र प्रमुखता से देखने को मिला था। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध? तो इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट यानी साथी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है आई थिंक UGC नेट पेपर 1 में, तो आप याद रखें साथी की एब्रीवेशन क्या होती है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ये एब्रीवेशन भी इम्पोर्टेंट है। संतुष्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब होता है किस चीज़ से आप यदि सेटिस्फाइड है, तो ये वेब पोर्टल शुरू किया गया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु। हाल ही में किस देश द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? देखिए प्रश्न का पहला पहलू यदि आप लोग देख रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक यदि हम बात करें फैशन शो तक इसको सीमित रखें तो प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बात क्या की जा रही है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो की बात की जा रही है। यदि ये गिनीज बुक में जब रिकॉर्ड बन गया तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम है नेपाल, आपने इसको याद रखना है। राइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है राजस्थान, को आपने याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2009। ये प्रश्न भी पहले रिपीट हो चुका है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के लिए ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 संसद से पारित किया गया था। देखिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर निकलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत में जो ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी इनका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, और ये जो ग्राम पंचायत अधिनियम है 2008 में संसद में पारित हुआ था और संविधान के जो अनुच्छेद 39A से रिलेटेड है। कुछ क्विक फैक्ट्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है, इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे फैक्ट नंबर 3 है, ये पहले भी एक बार HS की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि इस प्रश्न की बात करें, पूछा गया था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब बनाया गया था, ईयर पूछा गया था, वहाँ पर तो 2005 आपने बताना था। उसी तरह के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें से आपको कहीं ऊपर से दो जो फैक्ट है यहाँ पे ये प्रश्न आपको किसी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग याद रखें। सिविल मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लॉन्च किया गया था। सिविल अधिकार अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। और स्टूडेंट्स आपको बता दें हमारी काफ़ी बहुचर्चित किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा विकासात्मक व भविष्योन्मुखी विजन पर आधारित अध्ययन सामग्री, यानी सारी कंप्लीट हमने हर टॉपिक के ऊपर आपको सिंगल लाइनर नोट्स की फॉर्म में, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी अध्ययन सामग्री लाया है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमने बहुत सी बहुमूल्य जितनी किताबें थी हिमाचल प्रदेश की उनके सिंगल लाइनर के फॉर्म में 2 से 3
3000 प्रश्न निकाले हैं, उसके बाद क्लर्क से लेके प्रशासनिक सेवाओं तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और आपको मिलेंगी इसमें हिमाचल प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाओं का सारांश भी। यानी ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गागर में सागर की तरह काम करेगी ये की किताब, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इसका एक बार ट्राई करके देखिए। हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, आप इसे अपने घर प्राप्त कर सकते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से। इसकी कीमत भी कंपेयर टू एनी अदर बुक्स हमने बहुत ही कम रखी है। एक एक पेज को यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप भाव पाएंगे कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी पीजीटी की परीक्षा में जाना है तो हमारे राजनीति विज्ञान की किताब लॉन्च हो चुकी है, इसका भी आप लोग लाभ जरूर उठाएं और पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लें, जिसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी शामिल किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, 26 अप्रैल 2020 में यदि आपने परीक्षा में अपीयरेंस देनी है तो इसकी भी हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है। इसको परचेज करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट elastudy.co.in पर। इसके अलावा विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर तथा अध्ययन सामग्री हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।